28 तारीख को वीर सावरकर जयंती थी। वीर सावरकर का एक कहना था कि वैसे तो उनको बहुत सिर्फ एक चीज़ के लिए याद किया जाता है एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा, कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी। उसके ऊपर भी कभी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उनके तमाम मतलब उसके कंपैरिजन में हज़ारों ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए अगर उनको याद किया जाए तो उनसे बड़ा फ्रीडम फाइटर मतलब शायद ही कोई निकले। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि हिंदू कोई मज़हब नहीं है और हिंदू होना एक कल्चर को अडॉप्ट करने जैसा है, हिंदू होना भारतीय होने जैसा है, हिंदू होना हमारी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है और उस हिसाब से भारत का हर एक नागरिक यहाँ तक कि मुसलमान भी हिंदू है, क्रिश्चियन भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है। हिंदू होना बिल्कुल वैसा ही है कि हिंदुस्तान में हिंदू है, ठीक वैसा ही जैसे चाइना में चाइनीज़ है, वो उनकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। और हिंदू होना वे ऑफ लिविंग है, ज़िंदगी जीने का तरीका है। इसी कल्चर ने, इसी इन्वायरमेंट ने, इसी बाउंड्री ने हमें हर वो चीज़ दी है जो हमें समाज में सबसे ऊपर रखती है, हमें यूनिक बनाती है, हमारे कल्चर को सबसे बड़ा बनाती है और हमारे अंदर वो फीलिंग पैदा करती है कि हमने दुनिया के लिए अपनी बाहें खोल रखी हैं। कोई भी आए, कोई भी यहाँ बस सकता है, कोई भी रह सकता है, पूरी दुनिया का घर है। अब मैं यहाँ पे वो मुद्दा ऐड नहीं करना चाहता कि लोग आए और फिर इसको अपना घर इस तरीके से मानने लग गए कि यहाँ वालों को ही निकालने की प्लानिंग करने लग गए। उसमें मैं फिर कभी आ जाऊँगा। जो इस धरती से प्यार करते हैं, इस धरती को माँ मानते हैं, इस धरती को हर कीमत पे बचाएंगे, इस धरती के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, समझ में आ रहा है? बस इतनी ही डेफिनेशन। अगर आप इतनी क्वालिफिकेशंस को फुलफ़िल करते हैं, इतने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, आप हिंदू हैं। ये एक ऑनर जैसा है, हिंदुस्तान में आप हिंदू हैं। और हमारा देश कई मज़हबों का देश है, धर्म का देश है। धर्म और मज़हब अलग अलग होते हैं, धर्म एक ड्यूटी होता है, उस पर्टिकुलर मौके पे क्या सही किया जाए, क्या सही चुनाव किया जाए, वो होता है धर्म। तो धर्म और मज़हब दोनों अलग अलग चीज़ है। भारत में हजारों मज़हब हो सकते हैं, धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म। धर्म सनातन धर्म, और सनातन का मतलब होता है कि समय की शुरुआत से लेकर समय के अंत तक जो है वो सनातन है और उसमें सब कुछ साइंटिफिक है। जो आजकल हम लोग अंधविश्वास के घेरे में घूमे हुए हैं कि हर चीज़ को फेथ से जोड़ दिया, हर चीज़ को ओवर मतलब रिलीजियसली ले लिया, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हर चीज़ को साइंटिफिकली लें तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे हैं। जिस देश ने अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने लोगों का, अपनी हिस्ट्री का, अपने हेरिटेज का विकास किया, एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ाया, वो देश आज की डेट में सबसे आगे है। आप उठा के देख लीजिए चाइना और जापान को, वो किसी का कल्चर अडॉप्ट नहीं करते, वो किसी की भाषा अडॉप्ट नहीं करते। और जब हम लोग भी अपने कल्चर, अपनी भाषा, अपने ट्रेडिशन, अपने हेरिटेज, अपने महापुरुषों पर गर्व करते थे, अपनी चीज़ों पर गर्व करते थे, अपनी भाषा पे, तो हम लोग भी सोने की चिड़िया थे। जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हम पे अंग्रेजी थोपी, वो रहन सहन थोपा। मुगल आए, लूटा, उन्होंने अपना रहन सहन थोपा। सब ने मतलब फिर धीरे धीरे मिक्स होता गया, फिर वो कूड़ा कचरा भरता गया। और आज का रिजल्ट देख लीजिए कि कहाँ हम दुनिया के 35% GDP रखते थे, वेल्थ रखते थे, और आज का सबको पता है कितना रखते हैं। तो वही सोचने की बात है कि जब जब हम अपने कल्चर से दूर हुए, अपने देश की आइडेंटिटी से दूर हुए, अपने लोगों की आइडेंटिटी से दूर हुए, जब शर्म करना शुरू कर दिया हमने कि हम कौन हैं, हमें तो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करना चाहिए, वही ज़्यादा कूल है, वही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, मॉडर्न है, तब तब हमने बहुत कुछ खोया है। तो अपनी चीज़ों पर गर्व करिए, अपने देश पर गर्व करिए, अपने कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री, इन सबसे प्यार करिए, इनको बढ़ाने की कोशिश करिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।